समझदार इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है जबकि बेवकूफ इसका गुलाम। हे एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, एग्जिट एग्जाम का संपूर्ण निचोड़ जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया भाई, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जिट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हमें पता चल गया कि 2022 वाले सेशन को देना ही पड़ेगा। जिन स्टूडेंट ने 2022 में एडमिशन लिया है उन्हें एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। उससे पहले ना तो वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना तो अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, और ना ही वो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट? ये इंस्ट्रक्शन हमें PCI ने दे दिया, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है अभी भी। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई एग्जिट एग्जाम जो है, जब वो हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, राइट, 2022 में जो न्यू सिलेबस आया है, ठीक है, ER 2020, बल्कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 उसको नाम दिया गया है, उसके बाद 2022 में हमें देखने को मिलता है फाइनल नोटिफिकेशन किसका, एग्जिट एग्जाम का। बट उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि अभी भी एड हो के आया है, जो 7 फरवरी 2023 को जो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला, उसमें भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, बट अभी भी वो सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? अगर एग्जिट एग्जाम होना ही है तो या तो PCI उसमें कुछ अपडेट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो द गैजेट ऑफ इंडिया में हमें, हमारे पास जो लास्ट ईयर 28 फरवरी को जो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था, उसके अंदर जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी, तो उन इंस्ट्रक्शंस को अपडेट करके क्यों नहीं हमारे सामने 7 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें क्यों नहीं दिया गया? बहुत सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट? एग्जिट एग्जाम कब तक हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जल्द ही, लेकिन अभी हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि भाई जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें किस तरीके से हमें चीजें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है जी, तो जस्ट हम खोल लेते हैं वो नोटिस, और जैसे ये नोटिस हमारे सामने ओपन हो जाता है तो आप देख पा रहे हो 6 फरवरी 2023 को ये नोटिस आया था, लेकिन इसका सर्कुलर जो जारी हुआ था वो 7 फरवरी को हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम जैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी कि भाई आप लोगों का जो 2022-23 वाला सेशन है, देखिए यहाँ पे जो 2022-23 वाला सेशन है उसका 110% एग्जिट एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी, इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा 110%, बट इन्होंने फिर से यहाँ पे ये हमें नहीं बताया है कि भाई एग्जिट एग्जाम तो होगा, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में फिर भी नहीं बताया। एग्जिट एग्जाम होगा ये चीज तो इन्होंने हमें 24 फरवरी 2022 में भी नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया था कि भाई एग्जिट एग्जाम होगा, राइट? ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया था एग्जिट एग्जाम होगा, लेकिन होगा कैसे, कब होगा, क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में ना इन्होंने हमें एक साल पहले बताया था, ना इन्होंने हमें अभी बताया है, और अभी भी लगभग उस नोटिफिकेशन को आए हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, अभी तक भी हमारे पास कोई दूसरा नोटिस नहीं है कि भाई 2022 वाले सेशन को आपने बोल दिया कि एग्जिट एग्जाम होगा, है ना? तो उस सेशन के लिए बच्चा तैयारी भी तो करेगा, उसे बताइए तो सही कि किस तरीके से आप एग्जाम लोगे, है ना? ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अगर एग्जिट एग्जाम लेना ही नहीं है, ये सिर्फ नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस है, तो उसके लिए भी क्लियरली बता दीजिए। अगर एग्जिट एग्जाम होना है तो उसका कंप्लीट फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अभी CUET की अगर मैं बात करूं तो इतना प्रोफेशनल तरीके से, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग मेंशन कर देते हैं, NTA वाले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है CUET, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, यहां से यहां तक आपका एग्जाम होगा, इससे इस डेट के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इससे इस डेट के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ हमें वहां उस इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चल जाता है बहुत ही प्रोफेशनली। तो अगर कंडक्ट करवाना है तो हमें एक स्पेसिफिक डेट दी जाए, हमें स्पेसिफिक पैटर्न बताया जाए। देखिए, पैटर्न के बारे में जो हमें नवंबर में नोटिफिकेशन एक देखने को मिला था उसमें बोला गया था कि भाई ये पैटर्न है जो कि इसमें द गैजेट ऑफ इंडिया में आया है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। यूनियन टेरिटरीज से और स्टेट फार्मेसी काउंसिल से पूछा PCI ने, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो जस्ट सिर्फ आप हमें बहलाने के लिए नोटिस निकाल रहे हो कि भाई हाँ, एक नोटिस दे दिया एग्जिट एग्जाम के लिए, तो ये चैनल भी वीडियो बनाएगा, वो चैनल भी वीडियो बनाएगा, बच्चे भी हाइपर हो जाएंगे, बस फिर उसके बाद कोई नोटिस नहीं। आप फाइनलाइज कीजिए पहले कि एग्जाम होना है या नहीं होना है, दैट्स टू इंपॉर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर फार्मासिस्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर फार्मा के स्टूडेंट के लिए। सो प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई पहले तो आप इसका कुछ फाइनलाइज करें, होना है या नहीं होना है, क्लियर दैट, ठीक है। चलिए अब ये नोटिस देते हैं और इस नोटिस के अंदर इन्होंने नोटिस तो दे दिया, अब जो ये निकालते हैं यहाँ पे ये द गैजेट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये जो आया था हमारे पास पहला नोटिस आया था ये इसके साथ पेस्ट करके दे दिया, राइट। ये इन्होंने हमें इसके साथ पेस्ट तो करके दे दिया, लेकिन क्या इन्होंने इसमें हमें ये बताया कि भाई जो एग्जाम्स वगैरह ये प्रोसीजर है कि भाई जो आप एग्जाम लोगे उसमें या तो इसमें कुछ अप टू डेट करके देते तो हमें समझ में आता कि ये चीजें अपडेट हुई हैं। जो हमें नोटिस मिला था 28 फरवरी 2022 को देखने को, सेम इन्होंने यहाँ पे पेस्ट करके दे दिया है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक पॉइंट भी चेंज नहीं है। तो फिर एक साल आप बैठ के कर क्या रहे थे, एक साल हुआ क्या है, क्या चेंजेस हुए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर तो ऐसा लगता है जब कुछ चेंज करना ही नहीं था तो फिर एक साल का गैप क्यों। आप फाइनल कीजिए कि हम 2023-22 वाले बैच का एग्जाम लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ऐसे एग्जाम होगा, आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए ना। आप ये नोटिस देके क्या साबित क्या करना चाह रहा है पीसीआई, समझ में नहीं आ रहा है उसका। चलिए ठीक है, अब इसमें सेम चीजें वही मेंशन है, 50% मार्क्स आएंगे। फिर अक्टूबर में वो नोटिस निकालने का क्या मतलब था कि हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल से और यूनियन टेरिटरीज से पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग बताइए, आप अपना सजेशन दीजिए। सजेशन नहीं दिया, 3 महीने का टाइम दे रहे थे आप उनको। अरे सारे डिसीजन आपके होते हैं तो फुल एंड फाइनल डिसीजन दीजिए कि एग्जिट एग्जाम होना है या नहीं होना है, क्लियर। ये है बात, और कोई बात क्लियर नहीं है। ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है, सिर्फ आप एक फुल एंड फाइनल नोटिस निकालिए कि ऐसे होना है और अब होना है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें से एक सब्जेक्ट है यहाँ पे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, सिलेबस में से इन्होंने ये सब्जेक्ट हटा दिया, ठीक है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट जब ये सिलेबस से हट गया है तो फिर ये सब्जेक्ट यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ से कम अपडेट करके देना चाहिए था, इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट देना चाहिए था। और अगर सिलेबस में 22 वाले बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फ्री एग्जिट एग्जाम में कैसे दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ना। और ये मेरा मत है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है, आपका क्या बोलना है इसके बारे में, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है जी। लेकिन क्लियर कट चीजें होनी चाहिए इस फील्ड में, बहुत खराब हो रहा है बहुत चीजें। ऐसे भी स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं जो कि कॉल करके बोलते हैं मैम कोर्स में ज्वाइन करना है, राइट। अच्छा ठीक है, कोर्स में ज्वाइन करना है, आपका सिलेबस, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा सिलेबस फॉलो करती है, हम ये पूछते हैं, हमारी टीम ये पूछती है, तो उनका बोलना होता है कि हमें पता ही नहीं है, थर्ड सेम का कोर्स बच्चे को लेना है, फर्स्ट सेम में क्या पढ़ा है, सेकंड सेम में क्या पढ़ा है, कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैक डेट में एडमिशन लेके बैठा हुआ है। मतलब कभी बहुत गुस्सा भी आता है, और अगर मैं मेरी बात हो तो मैं बोल भी देती हूँ कि भाई आप फार्मासिस्ट बन जाओगे 4 साल बाद 3 साल बाद आप फार्मासिस्ट बन जाओगे, तो इसीलिए तो देश का भविष्य खराब है। और क्यों है, इसीलिए तो फार्मासिस्ट की इज्जत नहीं है, और क्यों ये फील्ड खराब हो रहा है, बिल्कुल बदनाम फील्ड, बिल्कुल बेकार फील्ड हो रखा है, ठीक है। फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का आने वाले टाइम में 2030 में 2050 में ग्राफ बहुत पीक पकड़ने वाला है, बहुत ऊंचा जाएगा ग्राफ, कभी इस फील्ड में मंदी नहीं आएगी, कभी ये फील्ड डाउन नहीं जाएगा। लेकिन फार्मासिस्ट आप लोग समझ लो बेटा, एक फार्मा के स्टूडेंट का पीक आ चुका है। अब उस पीक से जिसे नॉलेज है, जिसे जानकारी है, जिसे जो पढ़ के जाएगा वही आगे जाएगा, बाकी सब डाउनफॉल की साइड जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे आप अपने अंदर वैल्यू तो ऐड करो, रोजगार मिलेगा कैसे नहीं, आप वैल्यू ऐड करो पहले अपने अंदर, तब पता चलेगा रोजगार है या नहीं है। इस चीज को प्लीज सीरियस लीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे कोर्स में है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने एक दवाई गलत बना दी, वैसे तो इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे बंदों को रखती ही नहीं है, पहले आपका ट्रेनिंग पीरियड चलाती है वो 6 महीने है ना, और आपको 5,000 रुपए रखती है 6 महीने के लिए कि ट्रेनिंग पे काम करो, लेबर की तरह काम करवाया जाता है आपसे 6 महीने। 6 महीने समझ रहे हो कितना बड़ा टाइम होता है 6 महीने ट्रेनिंग पे रखेगी, ट्रेनिंग, कोई सैलरी बेसिस नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग, समझिए। आप लोग खुद अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिए प्लीज, 4 साल माँ बाप पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर। सो इसके लिए एग्जिट एग्जाम आ गया, हा 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 उल्ला मचा दिया, सीएम को लेटर लिखना, पीएम को लेटर लिखना कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देते तब क्या उखाड़ लेते आप, अगर आपको पहले पता चल जाता तब क्या उखाड़ लेते, नहीं लेते डी फार्मा में एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, मत लेते, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हाहाकार मचा रहे हो, इसलिए मचा रहे हो, पढ़ा तो कुछ है ही नहीं 2 साल के अंदर, इसलिए हाहाकार मचा रहे हो आप लोग। सो भाई प्लीज
अवेयर हो जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला और ये फील्ड सच में खराब हो जाएगा और आगे जाने वाले टाइम में जॉब सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि प्लेसमेंट के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे कि हमें जॉब नहीं मिलती, है ना, जॉब देगा क्यों कोई जब सामने वाले को पता है कि आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बर्बाद ही करोगे उसकी कंपनी को जाके, कुछ देना नहीं है आपने। अपने अंदर वैल्यू एड करो, ठीक है, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, हर जगह जॉब है, हर जगह स्कोप है अगर आप में वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए। सो एग्जिट एग्जाम का तो मुझे यही लग रहा है, सबसे पहले तो पीसीआई को ये सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, सच में सीरियसली ये बहुत जरूरी है, वरना इतने फार्मासिस्ट हर साल बनेंगे उन कहां कंज्यूम होंगे, वो कौन रखेगा इतने फार्मासिस्ट को। फार्मेसी फील्ड बहुत ग्रोथ करेगा, लेकिन एक फार्मासिस्ट ग्रोथ करेगा तब जब उसे नॉलेज होगी, जब वो अपने अंदर वैल्यू एड करेगा। मैं क्लियर कट बोलती हूँ, देखो साफ बोलने की आदत है, किसी को बुरा लगे ठीक है, अच्छा लगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितने भी फार्मेसी के ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिएगा, शायद किसी को अकल आ जाए, कोई पढ़ना स्टार्ट कर दे, है ना। और ये पीसीआई से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आप लोग प्लीज एक फुल एंड फाइनल नोटिस दे दीजिए, जिसके थ्रू कि हाँ होगा ही होगा, इस डेट को होगा ही होगा, इस महीने में होना ही है, पैटर्न ये रहेगा आपका, एग्जाम टाइम ये रहेगा, ये कंडीशंस रहेंगी, इनके साथ एक फुल एंड फाइनल नोटिस निकाला जाए और सबको क्लियर कट बताया जाए, फिर बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है जी, चलिए फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।